DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी मुबारकबाद पेश की। कहते हैं उम्मीद है नाचिज न्यूज मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरचार अपना किरदार अदा करता रहेगा। आइए इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। चैनल 92 की चौथी सालगिरह के मौके पर टीम 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चार साल के मुख्तसर अरसा में 92 ने खबर जिम्मेदारी के साथ देने के मोटो को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। 92 न्यूज के चार साल का सफर, मुल्क भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी 92 न्यूज को कामयाबी के साथ चार साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। चैनल 92 की चौथी सालगिरह के मौके पर टीम 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चार साल के मुख्तसर अरसा में 92 ने खबर जिम्मेदारी के साथ देने के मोटो को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। 92 न्यूज के नाम अपने पैगाम में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि 92 न्यूज ने खबर देने की रवायत बरकरार रखी। उम्मीद है 92 न्यूज मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार किरदार अदा करता रहेगा। अवाम में पाकिस्तानियत पैदा करने के लिए इनकी कावशें वो काबिल कदर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल 92 इसी तरह मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार अपना रोल जो है वो अदा करता रहेगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मजीद कहा कि पाकिस्तानियत पैदा करने के लिए 92 न्यूज की काविशें काबिले तहसीन है। 92 न्यूज यकीन दिलाता है कि मुस्तकबिल में भी सहाफत की आला रवायात का जामिन रहेगा।